सब्सक्राइब द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कॉलरशिप चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। रहमान रहीम, वेलकम बैक टू स्टडी विद नदीम। एक न्यू स्कॉलरशिप वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम सेवेंसी यूनिवर्सिटी टर्की यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के ऊपर बात करेंगे, जो कि टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के बाद जो है ये स्कॉलरशिप बहुत मशहूर है, जो कि हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है इसके ऊपर टर्की जा चुके हैं, वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ये स्कॉलरशिप अभी जो है 2021 एंड 2022 के लिए अभी दोबारा अनाउंस किया गया है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 18 अगस्त 2021 हैं। इससे पहले जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फ़ी वगैरह नहीं देना होगा, फ्री में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कनाडा स्कॉलरशिप, कोरिया और बाकी जितनी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप करंटली अवेलेबल है उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और मज़ीद इस तरह वीडियोज़ देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर पहुँच सकें। देखिए, ये स्कॉलरशिप जो है ये इसकी हॉस्ट कंट्री आपको टर्की होगी। जब आप स्कॉलरशिप को हासिल करते हैं, इंस्टीट्यूट जो है वो सेवेंसी यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा जो है एलिजिबल कंट्री जो है इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जितने भी कंट्रीज़ के वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर के लिए आपकी 12 ईयर एजुकेशन एफएससी, मास्टर के लिए 16 ईयर और पीएचडी के लिए जो आपकी 18 ईयर एजुकेशन जो है मास्टर की डिग्री आपके लिए साथ लाजमी होना चाहिए। लास्ट डेट जो है इसके लिए डिस्क्रिप्शन आप देखते रहें, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो मैं आप यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि उसमें चेंजेस अगर आएंगे तो मैं अपलोड, लेकिन करंटली जो दिया हुआ है वो 18 है। एकेडमिक फील्ड जो है टर्किश है, स्टडी है विजुअल आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, कल्चर स्टडी, इकोनॉमिक हिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंस के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और ये मैथमेटिक्स वगैरह। इसको देख के आप यहाँ पे, मैं अगर एक एक बताना चाहूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे आपकी इंटरेस्ट है। स्कूल ऑफ बिजनेस में मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, प्रोफेशनल एमबीए, एमबीए। और यहाँ पे मैंने जो तस्वीर दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इसमें सिर्फ बैचलर डिग्री, मास्टर एंड पीएचडी में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं तो इसमें आप बैचलर के लिए नहीं कर सकते, आप सिर्फ मास्टर एंड पीएचडी के लिए कर सकते हो, जो शॉर्ट कोर्सेज है उसके लिए कर सकते हैं। तो जिस खाने में जो है टिक मार्क अंदर लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इस फील्ड के लिए जो है आप ऊपर आप देखे थे कि बैचलर इसमें कर सकते हैं, फला में कर सकते हैं, फला में नहीं। तो तस्वीर को समझने के लिए आपको थोड़ा गौर करना होगा, तो इंशाल्लाह इसकी ये बहुत आसानी के साथ आपको समझ आया जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर फील्ड के लिए एमबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमबीए आपके लिए बैचलर हो सकता है, लेकिन एमबीए मास्टर के लिए आप नहीं कर सकते, पीएचडी के लिए फिक्र रह सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेज इसमें नहीं है। मास्टर इन फाइनेंस जो है इसमें सिर्फ आप शॉर्ट कोर्सेज वगैरह कर सकते हो, प्रोफेशनल एमबीए इसमें इसके अलावा आप नहीं कर सकते। सेवेंसी यूनिवर्सिटी जो है इसमें आपको मास्टर के लिए 2500 टर्किश लेरा जो है पर 10 मंथ्स जो है दी जाएगी, और इसके साथ साथ आपको रेसिडेंस जो है वहाँ रहने का जगह भी दिया जाएगा फ्री में। पीएचडी के लिए 3000 टर्किश लेरा। आप करंटली देख सकते हैं कि टर्किश लेरा जो है वो कितनी पाकिस्तानी बनती है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा फुल ट्यूशन फीस जो है, ये और भी दो तरह के स्कॉलरशिप है। इसमें एक जो है वो आपकी सिर्फ फ़ीस आपको माफ़ की जाएगी, आपको रेसिडेंस वगैरह जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो है हम अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर। एप्लीकेशन आपने कैसे फिल करना है, अप्लाई कैसे करना है। देखिए, अप्लाई का तो कोई फैसे है नहीं, तो आप तो ज़रूर ट्राई करें। मेल डिस्क्रिप्शन में एक लिंक्स दे दूँगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके जो है आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे मैं आपको ओपन कर देता हूँ, सॉरी एक मिनट, हाँ ये ओपन हो गया। जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करना, लेकिन सबसे पहले तरीक़ाकार को समझे, उसके बाद आप देखें। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन जाएंगे, एक आप जो है अप टू अप्लाई, यहाँ पे तरीक़ाकार आपको दिया जाएगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जो है आपको डायरेक्टली अप्लाई जो एप्लीकेशन जो है उस पे ऊपर लेके जाएगा। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार में तो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है, लेकिन मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको देखे, अगर इस स्कॉलरशिप के लिए आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं तो फिर इसके क्लिक करें, अगर नहीं समझते तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में और स्कॉलरशिप के लिंक्स मिलेंगे, वहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए, जब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं सबसे पहले आपके पास आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी नेम्स वगैरह, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जो दो नाम से तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट इसमें ले, जेंडर सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। जब आप क्रोम को ओपन करते हैं तो साइड पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो थ्री डॉट्स जो होते हैं, थ्री डॉट्स के नीचे डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका मोबाइल जो है वो कंप्यूटर की तरह ओपन हो जाएगा, तो फिर आप ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दिया मैंने, सॉरी
सिस्टम में थोड़ा अच्छा हो गया। इसके बाद जो है मार्शल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड लिख के, नहीं है तो सिंगल लिख के। इसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी आप कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे मैंने पाकिस्तान को इंक्लूड किया क्योंकि मैं आई बिलोंग टू पाकिस्तान एंड दैट्स वे वी डू यू हैव अनदर सिटीज़नशिप। आपके पास कोई और मुल्क का सिटीज़नशिप है? नो, मेरे पास नहीं है। डू यू हैव सिटीज़न विद, हाँ, डू यू कम्प्लीट हाई स्कूल, यानी आपने टर्की से बाहर हाई स्कूल कम्प्लीट किया है तो नो पे, टर्की में कम्प्लीट किया है तो यस या नो, यहाँ पे उस स्टेटमेंट को देख के आप कर सकते हैं। मैंने नो पे क्लिक किया। यहाँ के इसके बाद जो है, डू यू हैव टर्किश और नॉर्दर्न साइप्रस सिटीज़नशिप। अगर आपके पास टर्किश या साइप्रस की सिटीज़नशिप है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करें। इसके बाद आर यू हैव अ ब्लू कार्ड होल्डर, अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो मेरे पास तो नहीं है। तो मोस्टली पाकिस्तानी जो होते हैं उसमें नहीं होता। अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे तो फर्दर जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो स्टॉप यहाँ पे हो जाएगा, फिर आप नहीं कर सकते, तो नो पे क्लिक करें। इसके बाद आपका फ़ोन नंबर जो है, घर का जो नंबर है उसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसको नहीं दे सकते तो फिर आप, अगर आपका फ़ोन नंबर वगैरह नहीं है, ज़्यादातर घरों में हेडलाइंस और हेडफोन नहीं होता जो सेटेलाइट फ़ोन वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे आप जनरली कोई भी नंबर डाल सकते हैं। प्राइमरी ईमेल एड्रेस लिख के ईमेल, वो ईमेल लिखना है जिसके थ्रू आपको फिर इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी कि आपका स्कॉलरशिप हो गया है या नहीं हुआ है, तो वो ईमेल इंक्लूड करें जिसमें आप जो है जनरली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव ईमेल, एक और ईमेल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। होम एड्रेस जो है आप कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रीट नंबर 3 ब्लॉक डी इस्लामिया कॉलोनी पिशावर पाकिस्तान या इस्लामाबाद पाकिस्तान। मैं जनरली सिर्फ डेमो के लिए आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एड्रेस इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप गांव वगैरह से लिखते हैं तो गांव का नाम सिंपल वगैरह लिख के, इसके बाद तहसील और फिर डिस्ट्रिक्ट लिख के, तो फिर आसानी हो जाएगा। सिटी जो है वो पिशावर लिख के, कंट्री जो है वो पाकिस्तान आप सेलेक्ट करें फिर से। तो जब आप यहाँ पे कीबोर्ड ओपन होता है तो पी को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली पाकिस्तान आ जाएगा, या सिस्टमेटिकली आप इसके ऊपर जा सकते हैं। जिप कोड जो है आपको गूगल से मिल जाएगा अपनी सिटी का, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो गूगल पे देख के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं कहूँ बहावलपुर जिप कोड या पोस्टल कोड, या तो वो आपको आ जाएगा, या पिशावर पोस्टल कोड या चतराल या दीर पोस्टल कोड, तो ये सिंपली आपको सामने जो है आ जाता है। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है कि हाई स्कूल आपने किस कितना कंप्लीट किया, स्टार्ट डेट क्या था, एंड डेट क्या था, ये आपको डीएमसी के ऊपर मिल जाएगा। विच डिप्लोमा रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया। डू यू हैव मेडिकल आर अनदर यूनिवर्सिटी बिफोर, यहाँ पे दिए गए कि आपने कौन सी किसी और यूनिवर्सिटी में इससे पहले जो है स्टडी किया हुआ है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करें। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए, एप्लीकेशन जो मैं फिल कर रहा हूँ ये अंडर ग्रेजुएट के लिए मोस्टली जो है इसके लिए ऊपर होता है। टोटल आईबीटी स्कोर, पेटी, ये जो है इंग्लिश टेस्ट वगैरह होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, बट आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में काफ़ी हद तक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी प्रोफिशिएंसी होगी, यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको फील्ड सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सी फील्ड में आपने अप्लाई करना है। इसको मैंने थोड़ा जल्दी लेकिन यहाँ पे जिसके ऊपर आप पहले क्लिक करेंगे तो वो आपकी पहली प्रेफरेंस, तो तीन मोस्टली सेलेक्ट करें, या जितनी डिपार्टमेंट्स में आप करना चाहते हैं अप्लाई तो कर लें, लेकिन तीन से ज़्यादा ना करें तो बेहतर है, या 6-7 तक भी आप जा सकते हैं। अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह स्कैन। मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी ग्रेजुएशन इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में मैं भी कर लूँगा। और यहाँ पे आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लेरिफाई एंड सबमिट का बटन आपके सामने नीचे आएगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।